Assalamu alaikum. Bakhair ang lahat ng mga katunko. I am Arisha Nasir. And you know what? Aaj maine kya banaya hai? Mint margarita. Oh my god. I am so happy. Kyunki main 3 saalon se soch rahi thi ki main ye ghar pe banaungi. Aur Oh my god. 3 सालों बाद मैं आज उठी हूँ और मैंने घर में ये बनाया है। ये मिंट मार्गरेटा बनाने के लिए हमें चाहिए एक बाउल मिंट यानी पुदीना, 2-3 चम्मच लीमू का रस, 6 चम्मच चीनी और 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा बर्फ और स्प्राइट चाहिए। स्प्राइट हम लेंगे 3 ग्लासेस, उसके मुताबिक मैंने 6 चम्मच चीनी डाली है। सबसे पहले हम लेंगे पुदीना, इसको ब्लेंडर में डालेंगे और थोड़ा सा पुदीना नीचे भी गिर गया, और लेमन जूस इसमें डालेंगे और फिर इसके बाद थोड़ा सा ये जो चीनी है और नमक है वो ऐड करेंगे। और इसमें जो हमने स्प्राइट डालनी है वो मैंने एक साथ सारी नहीं डाली, मैंने कहा थोड़ी सी डाल लेती हूँ स्टार्ट में ताकि जो पुदीना है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो मैंने थोड़ा सा स्प्राइट लिया है ग्लास में और उसको ब्लेंडर में ऐड कर दिया, और फिर जो बाकी मैंने 3 ग्लासेस डाले हैं वो मैंने आखिर में जब ये पुदीना ब्लेंड हो गया था तो उसके बाद जो है ना मैंने फिर बाकी 3 ग्लासेस ऐड किए हैं। तो अभी ये ब्लेंड हो रहे हैं, तब तक हम वेट करते हैं। मैंने बाहर मिंट मार्गरेटा सिर्फ 2 जगहों पर ट्राई किया, एक सेंटोरस में एक होटल था, नाम तो मैं भूल गई हूँ, और वो बहुत ही बेस्ट था। एक दफ़ा मैंने सेवर्स में ट्राई की लेकिन सेवर्स का इतना अच्छा नहीं था। अब हम इसको पॉज करके चेक करते हैं कि पुदीना जो है ना वो ब्लेंड हुआ है कि नहीं। तो आइए चलते हैं, चेक करते हैं। ये हो गया है। अब हमने क्या करना है कि आइस क्यूब्स इसमें ऐड करने हैं ताकि आइस क्यूब्स भी क्रश हो जाएं, और फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे स्प्राइट। यार मेरा स्टैंड कहीं पे गुम हो गया है और मुझे बड़ी मुश्किल होती है कि मैं एक हाथ में कैमरा पकडूं, मोबाइल पकडूं, रिकॉर्ड करूं और दूसरे हाथ से काम करूँगी। मैं स्प्राइट डाल रही हूँ ग्लास में, 3 ग्लासेस, क्योंकि हम 3 बंदे हैं तो मैंने 3 ग्लासेस बनाए। तो अब हम इसको ऐड करेंगे ब्लेंडर में, और ये बड़े ही मज़े का बनता है, स्पेशली गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पुदीना जो है वो ठंडा होता है, तो इसके गर्मी में तासीरात ठंडे होते हैं। तो लेकिन ये है कि स्प्राइट में चीनी बहुत ज़्यादा होती है, तो जो लोग अगर डाइटिंग करते हैं तो वो डेली नहीं पी सकते, लेकिन मज़े का बहुत होता है। लेकिन पुदीना जो है ना वो आप ज़रा अपने हिसाब से डालें, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डल जाए तो उसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा सा बन जाता है, इसलिए पुदीने को ज़्यादा नहीं डालना। मैंने 1 बाउल डाला है 3 ग्लासेस के लिए, तो फिर वो अच्छे से बन जाता है। और मैं मज़े की बात बताऊं कि पुदीना जो है ना मैंने मुझे इसकी पहचान भी नहीं है कि पुदीना के पत्ते किस तरह के होते हैं तो मैंने फर्स्ट टाइम पापा लेकर आए मेरे लिए, मैंने कहा पुदीना किधर है, फिर वो ज़्यादा लेके आए थे तो मैंने कहा ये सारा का सारा पुदीना है, तो कहते हैं हाँ ये सारा पुदीना, तो मैं इसकी समझ नहीं है। तो मुझे इससे पहले पता नहीं था कि पुदीना के पत्ते किस तरह से, मतलब ऐसे पिक्चर्स और वीडियोस में तो देखा है लेकिन रियल में जब सामने आ जाए फिर बंदे को पहचान ज़रा मुश्किल हो जाती है। ये बस बन गया है, बहुत ही ईजी तरीका है और बहुत ही कम चीज़ें डलती हैं इसमें। इसमें काला नमक भी शामिल कर सकते हैं लेकिन मेरे पास काला नमक था नहीं, तो मैंने सिर्फ जो पिंक सॉल्ट पड़ी हुई थी तो मैंने वो डाली है, वाइट भी नहीं थी। तो इसमें काला नमक जो है ना बहुत अच्छा लगेगा। और ये बन के तैयार हो गया, मैं थोड़े से वीडियोग्राफी करने की कोशिश कर रही हूँ, शौकिया मार रही हूँ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें,
ताकि मेरी ऑडियंस बढ़ जाए। ये एंड में मैंने कुछ पिक्चर्स जो खींची थी वो भी ऐड कर ली, मैंने कहा ये भी वीडियो में शामिल कर लेती हूँ ताकि मैंने इतनी मेहनत की है तो वो भी शो कर सकूँ। सो मैंने एडेड द पिक्चर्स एज वेल। इस ड्रिंक को इन्जॉय करें ज़रूर, बनाएं और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसे लगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इन गर्मियों में मज़ीद और भी जूसेस बनाऊं, डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं मैं जूसेस बना के फिर वीडियोस शूट करूं और फिर अपलोड करूं और आप सब लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी और मेरी वीडियोज़ भी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसको शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ता सुनाई जजत वाड़म अल्लाह पामान।